बरसात का मौसम शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली में सैलानियों के आने की रफ्तार कम हो गई है। इसको देखते हुए राज्य का पर्यटन विभाग मानसून के दौरान सैलानियों को रिझाने के लिए अपने होटलों के किराए में 30% की छूट दे रहा है। 15 जुलाई से हमारे विभिन्न होटलों में 20-30% डिस्काउंट जो है वो शुरू किया गया है, जिससे कि पर्यटकों को उसका उचित लाभ मिल सके। जहाँ तक डिस्काउंट का प्रश्न है, हमारे मनाली के होटल्स में जैसे होटल कुंजुम, हमारा लॉग हट्स और हडिब्बा कॉटेजेस में 30% डिस्काउंट हम दे रहे हैं 15 जुलाई से, और होटल रोहतांग मनालसु में 20% है। वहीं नगर कैसल जो हमारा होटल है वहाँ पे भी 30% डिस्काउंट है। निजी टूर ऑपरेटरों और होटल कारोबारियों ने भी इसी तर्ज पर सैलानियों के लिए कई छूट का ऐलान किया है। 28 जून के बाद से जो है थोड़ा रेनिंग अलर्ट जो आया हुआ है उसकी वजह से जो हमारा सीजन 10 से 15 जुलाई के बीच तक चलना था वो जल्दी, इस पर आप रखिए 2 हफ्ता पहले ही वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो जिस कारण जो है काफ़ी जल्दी गिरावट इस बार थोड़ी देखने को मिली हमें, लेकिन पीक सीजन हमारा सबका, जितने भी हम टूरिज्म व्यवसायी हैं सबका अच्छा है। ऑफर की बात करें तो देखिए, जो पीक सीजन में हम टूरिस्ट को फैसिलिटी देते थे वही फैसिलिटी सेम है, बट प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दी गई है। 50-60% के ऑफर इस समय दे रहे हैं पैकेज में। मनाली में कुछ गिने चुने सैलानी मौसम का लुत्फ उठाते देखे जा सकते हैं। दिस इज द थर्ड टाइम, मतलब तीसरी बार आया लगातार, और एवरी टाइम मतलब ये पहले से ज्यादा ही अच्छा लगता है कि हाँ नई जगह आ रहे हैं, नई सब चीजें मिलती हैं यहाँ पे, हर कुछ मतलब कुछ ना कुछ अपग्रेड होता ही रहता है यहाँ पे। वेदर ऑब्वियसली यहाँ का अच्छा है, नीचे तो गर्मी काफी पड़ रही है, यहाँ पे काफी अच्छा वेदर है, वेदर के लिए आता है ऑब्वियसली यहाँ पे हर कुछ। क्राउड मतलब अब हम तो परसों ही आए हैं, तब कह रहे हैं कि उससे पहले तो टूरिस्ट काफ़ी था, अब ऑफ लेट थोड़ा कम हो गया ऑब्वियसली बिकॉज स्कूल अब बच्चों के खुलने लग गए हैं। मनाली में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक इस बार गर्मियों में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा सैलानी आए, लेकिन बारिश होने के बाद भूस्खलन और बाढ़ की आशंका को देखते हुए उनके आने की रफ्तार कम हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।